हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई एम डूइंग वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल्स क्लास टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस नाइन इनटू एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस सिक्स ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए कैसे करना है ये सोल्यूशन इसमें जो गिवन पॉलिनोम है इन एक्स सो आप उसको पी ऑफ एक्स के इक्वल एज्यूम करो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस नाइन इन टू एक्स स्क् प्लस थर्टीन एक्स प्लस सिक्स ए सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब आपने इसमें प्रोडक्ट पी निकालना है प्रोडक्ट मीन्स पी सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए तो यहां पर सी की वैल्यू क्या है कांस्टेंट टर्म की सिक्स ए अपॉन वट इज द वैल्यू ऑफ ए दैट इज ए स्क्र प्लस नाइन सो यू हैव फॉन्ट द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आप इसको इक्वेशन नंबर क्या करो वन दे दो लेट एल्फा इज वन जीरो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स हमने क्या किया एल्फा एक उस पॉलिनोमियल की जीरो मान ली तो इस एल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा देन द अदर जीरो इज इट्स रेसिप्रोकल जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है देन द अदर

अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा क्या बनेगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज सिक्स ए अपॉन ए स्क्र प्लस नाइन अल्फा अल्फा को कैंसिल कर दो सो यू विल गेट सिक्स ए अपॉन ए स्क्र प्लस नाइन इक्वल टू वन अब सॉल्व करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस नाइन वन को मल्टीप्लाई करेगा ए स्क्र प्लस नाइन इज इक्वल टू सिक्स ए अब आप सिक्स ए को भी लेफ्ट में लेकर आओ ए प्लस तो का सिक्स ए लेफ्ट में माइनस सिक्स ए प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ ए स्क्र का कॉफिशियंट वन है कॉन्स्टेंट टर्म नाइन है सो वन इंटू नाइन इज नाइन नाइन के दो फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई करने पर नाइन बनाए प्लस माइनस करने पर सिक्स बनाए थ्री थ्री तो ये बनेगा ए स्केर माइनस थ्री ए माइनस थ्री ए प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो अब यहां से आप क्या कॉमन ले लोगे ए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ए स्केर डिवाइडेड बाई एज ए माइनस थ्री और इन दो में माइनस थ्री कॉमन सो हेयर विल बी ए प्लस माइनस इज माइनस नाइन डिवाइडेड बाई थ्री इज थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो सो इन वन ब्रैकेट ए माइनस थ्री इन अदर ब्रैकेट इज ऑल्सो ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो राइट तो आप इसको ए माइनस थ्री इंटू ए माइनस थ्री को ए माइनस थ्री का होल स्केयर इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हो टू फाइंड जीरो टू फाइंड ए पुट ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो इट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू थ्री सो देयर फोर The value of a has come out to be 3. So, this is the solution of the given question. Hope you have understood it. Thank you.